ऐसी धड़कन है, धड़कन है, ऐसी धड़कन है, 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 ऐसी धड़कन। चलिए लिमसेट 23 के न्यू टॉपर से मिलते हैं गोविंद कुमार से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 315 है, जो कि बिहार पटना से है। और गोविंद के बारे में बता दूं कि गोविंद ने भोपाल आके प्रिपरेशन की, एक साल पूरी तरह से यहां पर अपना दिया और इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो सबसे पहले गोविंद, आपको 315 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो गोविंद, आपने क्योंकि एक साल ड्रॉप लिया था, 2022 में भी शायद एग्जाम दिया था, तो आपकी जो इंटायर जर्नी है, सबसे पहले तो आपने लिमसेट के लिए कब सोचा, फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की, और ड्रॉप का जब डिसीजन हुआ तो किस तरह से आपने अपने आप को मेंटली तैयार किया, और इस साल इंटायर जर्नी भोपाल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताएं आप। मैं गोविंद कुमार हूं, मैं पटना बिहार का रहने वाला हूं। सबसे पहले मेरा और एनआईटी का नाता तो 12th के बाद से ही था। मैंने जेई का भी प्रिपरेशन कर रखा था, वहां पे मैं 11th 12th में पढ़ा, लेकिन 12th को 12th के बेसिस पे पढ़ा, वो पास होने के लिए केवल। और बाद में फिर सभी जेई कर रहे थे तो मैं भी जेई किया। जेई में मेरे अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ मैथ का बेस बन चुका था वहाँ पे। लेकिन फिर वहाँ जब नहीं हुआ जेई में, तो मुझे मैं काफ़ी निराश हो गया था कि अब एनआईटी मुझे नहीं मिल सकता है। फिर वहाँ पे मैंने भैया से अपना बात किया, तो भैया ने बताया कि तुम एमसीए करो, क्योंकि एमसीए में भी एनआईटी जा सकते हो और वहाँ से भी अपना आगे कंपनीज आती, वहाँ से भी प्लेसमेंट ले सकते हो। और जहाँ तक बात रही कोडिंग की, तो कोडिंग मैंने 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं कोडिंग किया, 3-4 मंथ मैंने कोडिंग किया था वहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगा, कोडिंग इंटरेस्ट आया। तो हाँ फिर मैंने डिसाइड किया कि एमसीए कर सकते हैं। फिर मैंने एमसीए के लिए सर्च किया, तो सर का वीडियोज़ आए, सर के वीडियोज़ को देखा, तो हाँ पता चला कि इम्पीटस गुरुकुल ही भी एक इंस्टीट्यूट है जो एमसीए का प्रिपरेशन, एमसीए के एनआईटी निमसेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवाती है। तो मैं फिर भोपाल यहाँ आ गया, सर से मिला और फिर अपना क्लासरूम कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो मैं ये 2022 के लिए ये ज्वाइन किया था। तो लेकिन बस 3-4 महीने ही मैंने पढ़ा था, फेब में मैं आया था, 2022 के फेब में ही आया था मैं। तो 4 महीने पढ़ा, फिर वो एग्ज़ाम दे दिया, तो वो एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं गया, मेरे 1700 रैंक आई थी। फिर मैं तो सर से बात किया, सर ने बताया कि हाँ ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर था तो मैं कर सकता था, मुझे लग रहा था ऐसा कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने फिर से ड्रॉप लिया और भोपाल में आ करके ही यहाँ पे प्रिपरेशन करने लगा, और सब चीज़ सही थी यहाँ पे। रेगुलर मॉक देते गया, रेगुलर सर की बातें फॉलो करते गया, और मेरी लास्ट में इस बार निमसेट 2023 में इस बार मेरी रैंक 315 थी। तो गोविंद, जैसे अभी मैंने आपने सुना कि आपने क्योंकि 2022 का एग्जाम दिया था, पर उसके लिए बहुत ज्यादा समय प्रिपरेशन नहीं की थी, और 1700 रैंक से आप 300 रैंक के आसपास पहुंचे, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आप जब भोपाल आए, फिर आपने पूरे एक साल भोपाल में रह के प्रिपरेशन की, तो जब कभी भी आप टेस्ट वगैरह देते थे तो टेस्ट में स्कोर अप डाउन होता था, तो उसे कैसे मैनेज करते थे और किस तरह से आपने पेपर को एनालिसिस किया? सबसे बड़ी बात यही है कि टेस्ट के स्कोर को मैनेज करना, क्योंकि आप अगर कम स्कोर आते हैं तो मोरल डाउन होते हैं, और अधिक आते हैं तो कहीं ज़्यादा ही अप हो गए तो खुशी भी ज़्यादा नहीं मनानी है। तो उसके लिए सर बहुत हेल्प किए, उसके लिए मैं जब भी डाउन होता था तो हमेशा सर के साथ जा करके डिस्कस करता था कि सर ऐसे हो गया, कम आ गया, तो अब क्या करूँ। तो सर हमेशा मोटिवेट, सर का वो वाई भी मोटिवेशन, जाते ही जो फर्स्ट लाइन ही सर का मोटिवेशन वाला होता था, तो उसी से आ जाता था मोटिवेशन कि अब तो अगली में तो अच्छे ही करूँगा। तो वैसे वैसे सारा हैंडल होते गया, और बाकी का तो गोविंद आपका खैर एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब ये बताओ कि अपने जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे आप, और स्पेशली जो बच्चे ड्रॉप लेने से डरते हैं या सोचते हैं कि लूं कि नहीं लूं, पता नहीं साल का क्या होगा, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? सबसे पहले तो मैं जूनियर को ये बोलना चाहूँगा कि ये निमसेट निकालना कोई एक ऐसा कोई नहीं कि कोई आपको मंत्र दे देगा, कोई सीक्रेट दे देगा, ये प्रोसेस है, आपको एक इसको आपको समझना पड़ेगा, प्रोसेस है। अगर आप जब 200 नंबर ला रहे हो तो आप तो आपको 300 नंबर लाने के लिए, तो आपको जब 200 आएगा तभी आपको पता चलेगा कि 300 आप कैसे लाऊं, जब 300 आएगा तभी आपको पता चलेगा कि आगे क्या क्या करूँ कि 400 नंबर आए मेरे,
400 आएगा, तभी आपको आगे अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा कि हाँ अब 500 कैसे लाऊं। ये एक प्रोसेस है, सबको गुजरना पड़ता है इसी तरह से, कोई सीक्रेट नहीं है। और ड्रॉप के लिए मैं बता दूं कि ड्रॉप लेना मेरे लिए भी काफी मुश्किल था, क्योंकि जेएनयू में मेरा मतलब सीयूईटी में मेरा हो गया था, जेएनयू एक दो नंबर से रह गया था और बीएचयू मिल रहा था मेरे को। तो वहां पे सर से बात भी किया मैंने, तो लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे जाना तो एनआईटी जाना है, क्योंकि मेरा तो वो 12th से ही उसका ख्वाहिश था एनआईटी जाने का। तो हाँ, इस बार एनआईटी जाने के लिए मैं रेडी था, तो ड्रॉप मैंने ले लिया। और वैसे आप काफ़ी अच्छे से बात कर सकते हो, सर से बात कर सकते हो, अपना राय ले सकते हो और अपने अंदर के काबिलियत को पहचान सकते हो कि मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं। अगर आपको श्योर लग रहा है कि मैं निकाल लूंगा तो गो फॉर इट। देखिए, गोविंद ने कुछ बातें बोली थी, मैं हर बात को बहुत ध्यान से सुनता। सबसे पहले इनका 12th में ड्रीम था, पर जेई किसी कारण से नहीं निकला। लास्ट ईयर बीएचयू में एडमिशन होने के बाद भी एडमिशन नहीं लिया कि मुझे एनआईटी ही जाना है, कंप्रोमाइज नहीं किया। और आज फाइनली कंप्रोमाइज, देखो आपका, आपने नहीं कंप्रोमाइज किया तो आज उसका रिजल्ट मिला। तो गोविंद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आपको एनआईटी में भी जाके ही ऐसे ही परफॉर्म करना है और बेस्ट रिजल्ट देना है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू।